देश के 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर रविवार को सोलन में ग्रामीण विकास, पंचायती राज एवं पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने तिरंगा फहराया। उन्होंने पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी, स्काउट एंड गाइड और शिक्षण संस्थानों के बच्चों के मार्च पास्ट की सलामी ली। की भावना का संदेश देती राजकीय छात्रा वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला की एनएसएस की टुकड़ी कमांड कर रही है रंजीता रावत। इनके बाद गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल की एलिमेंट्री टुकड़ी ला रहे हैं दीपक। मंच की ओर बढ़ रही है गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल की भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की टुकड़ी, लीडर हैं कमांडर मोहित। और अंत में संगीत की स्वर लहरियां, हमारे होमगार्ड का ये बैंड, बैंड मास्टर तेजलाल ठाकुर के सदैव नेतृत्व में। इसके बाद उन्होंने गणतंत्र दिवस पर जनता के नाम अपना संबोधन दिया और सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में सिंचाई, पेयजल तथा अन्य योजनाओं के माध्यम से 67 करोड़ रुपया जो है वो सरकार के द्वारा जो है वो व्यय किया गया है। स्वास्थ्य एवं जन कल्याण विभाग के द्वारा भी आज आयुष्मान भारत में 49,200 परिवारों के ई कार्ड जो है वो बना करके जो है वो सरकार के द्वारा जो है उनको उपलब्ध कराए हैं, जबकि 22 ऐसे अस्पताल हैं जो प्राइवेट स्तर के ऊपर और 9 जो है वो सरकारी स्तर के ऊपर जो है वो इन अस्पतालों को जो है उसका इंटरनेट जो है वो किया गया है। उसी तरह से हिम केयर के माध्यम से भी ऐसे 75 ऐसे रोगियों को जो है ऐसे लोगों को जो है वो इसमें रजिस्टर्ड जागरूक किया गया है। सोलन जिला में देश में उद्योग जगत में एक अपनी अलग पहचान बनाई। जिला के अंदर आज बद्री बरोटी वाला नालागढ़ बीबीएन औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जो है वो विकसित हुआ है। आज ये क्षेत्र जो है ये मेडिसिन का जो है वो एक अब पूरे देश के अंदर जो है वो जाना जाता है। आज सरकार के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि कुनिहार जिला के कुनिहार में जो है वो नई औद्योगिक क्षेत्र को जो है वो इस क्षेत्र में जो है वो विकसित किया जाए। अंत में मैं ये कहूंगा कि आज जो जनमंच है जो प्रदेश की सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके माध्यम से हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर हर महीने जो है वो जनमंच का आयोजन होता है और प्रदेश सरकार से एक माननीय कैबिनेट मिनिस्टर जो है उस जनमंच में आकर के लोगों की जो है वो शिकायतों को वहां पर सुनते भी हैं, उनका निवारण भी करते हैं। और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर 4,933 ऐसी शिकायतें व मांगे प्राप्त हुई, जनमंच से प्राप्त 1370 शिकायतों में से ऐसी 1300 का जो है वो निपटारा जो है वो कर दिया गया है। और उसी तरह से आज हिमाचल प्रदेश के अंदर गृह सुविधा योजना में भी आज सोलन जिला में हर घर में जो है वो सरकार के द्वारा जो है वो गैस का कनेक्शन पहुंचा दिया गया है। अतः मैं अंत में आप सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूं और प्रदेश के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं।
बाद में सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में स्कूली बच्चों व अन्य शिक्षण संस्थानों सहित आंगनबाड़ी व महिला मंडलों के सदस्यों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए सोलन ब्यूरो की रिपोर्ट। लाइफ टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।